ये कैसी जोड़ी दी है भैया? 350 यानी एक एक 350 जोड़ी। हाँ हाँ, तो तुमने क्या डिसाइड किया है कीमत? 600 जोड़े के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निशान शंबरकर और आप देख रहे हैं हम लोगों का चैनल जिसका नाम है सीक्रेट बातें फॉर यू। दोस्तों, आज मैं आया हूँ नागपुर के एक ऐसे मार्केट में जिसे कहा जाता है यहाँ का बर्ड्स मार्केट, यानी कि यहाँ का जो है पंछी मार्केट। और अब मैं जिस लाइन में खड़ा हूँ इसे कहा जाता है लकड़गंज। और आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे नागपुर में एक ही जगह पे पक्षी मार्केट भरता है, जो कि है लकड़गंज में। अब दोस्तों, यहाँ से ये जो रास्ता है ये सीधा जा रहा है पक्षी मार्केट की तरफ। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस मार्केट के लिए, और साथ में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर किस तरह के पक्षी और क्या क्या जो भी बर्ड्स है यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर आपको मिलेंगे, ये सब हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मार्केट है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक रहता है। और ये आप यहाँ पर इस मार्केट में आने के लिए आपको सुबह 8 बजे आना चाहिए, क्योंकि 8 बजे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। अभी जो मैं टाइम पे आया हूँ, ये जो टाइमिंग है ये है 11 बजे का टाइम, उस वजह से यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। और ये मार्केट देखिए आपको यहाँ पर पीछे में यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मार्केट है इसे बर्ड मार्केट के नाम से जाना जाता है, यानी कि पंछी मार्केट के नाम से। यही वो मार्केट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। और ये है लकड़गंज में, ये लकड़गंज का एरिया है, आप देख सकते हैं ये लकड़गंज एरिया है। और यहाँ पर ये जो है जो बर्ड मार्केट है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो मार्केट है इसका टाइमिंग क्या है? 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। और ये मार्केट है कितने सालों से यहाँ पर लग रहा है वगैरह बता सकते हैं आप? मार्केट कम से कम 30 साल से लग रहा है। अच्छा, और यहाँ पर जो ये बिजनेसमैन है यहाँ पर आते हैं बेचने के लिए, व्यापारी लोग आते हैं, तो ये कहाँ कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं, गांव नागपुर के, कोई बाहर के, आजू बाजू के देहात छेड़े के। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर जो यानी पक्षी अभी जो मिल रहे हैं यहाँ पे बर्ड्स वगैरह, तो ये जो है ये सब लीगल है या कैसा है? लेकिन ये सब अपने घर गुत्ती है जो लाते हैं। हाँ, यानी घर पे जो पाले हुए रहते हैं उसी को वो बेचते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपका नाम? अमर बोकड़े। अमर बोकड़े, तो अमर बोकड़े जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। यहाँ पर बताएंगे इनका, ये यहाँ पर कबूतर की शॉप है। तो ये कैसे यानी जोड़ी दी है आपने? 500 रुपये का एक। 500 रुपये का एक, और इसमें कुछ यानी डिस्काउंट वगैरह करते हो? डिस्काउंट हाँ। कितना? 425 का एक किपे जोड़ा। हाँ, सो दोस्तों, अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हैं तो इसका जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, इस एड्रेस को देखते हुए आप यहाँ पर आ सकते हो। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आने का जो टाइमिंग है ये हर संडे को लगता है, और ये है लकड़गंज में। यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है न्यू ईरा हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट में आपको यहाँ पर ये मार्केट है, यहाँ पर मिल जाएगा। फाइनली
यहाँ पर हमारा जो व्लॉग है यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। आपको आज का जो वीडियो है जो कि मैंने बर्ड मार्केट के ऊपर बनाया यानी कि पंछी मार्केट के ऊपर बनाया, आपको ये कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में अपना जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं नागपुर के ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जो है बनाते जाऊँगा जो कि मैं धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।